आप देख रहे हैं एफटी न्यूज़, सच और कुछ नहीं। लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई डायल 112 अब लोगों का शोषण करने पर तुली हुई है। एक सिपाही ने अपने साले की शारीरिक भूख मिटाने के लिए फोन पर एक युवती से की मांग, बदले में 50,000 रुपए की रकम भी देने की करीब बात। मामला है अमीरपुर जनपद के एक मोहल्ले का, जहां पर युवती की शिकायत का निस्तारण करने पहुंचे डायल 112 के सिपाही ने युवती पर ही डोरे डालना शुरू कर दिया। मामला इतना ही नहीं, जब डायल 112 के सिपाही रवि वर्मा का साला कस्बे में आया तो उक्त सिपाही ने युवती को फोन कर अपने साले की शारीरिक भूख मिटाने के लिए लड़की का इंतजाम करने की बात की। जब लड़की द्वारा इस मामले में असहमति जताई तो सिपाही ने बदले में 50,000 रुपए का ऑफर देकर उसे ही आने के लिए कहा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि लड़की सिपाही की कॉल को रिकॉर्ड कर रही है। कॉल देर शाम युवती ने कोतवाली मोदहा में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि क्षेत्र अधिकारी मोदहा सौम्या पांडे ने जाँच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। तुम क्या काम करा सकती हो जो क्या काम करा सकते हो आप बताएं, ये बताएं ये सवाल बताएं। हम क्या काम बताएं, फोन पे बताना सही नहीं है। ये समझ लो तुम्हारे लायक काम है, इसीलिए हम तुम्हें फोन लगा रहे रात के 12 बजे। आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा क्या काम है। आप बताएंगे नहीं तो हमें क्या पता। हम क्या बताएं तुम्हें, फोन पे जब सुनना है बताओ, हम वही आ रहे तुम्हें गली में, तुम बोलो तब हम बताएं। इतनी रात में हम कैसे नीचे जा सकते हैं।